हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन एंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह से आप एंट्री ले सकते हो। तो सबसे पहले अपन दो पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे जो कि एंट्री पैटर्न्स है, ठीक है। और ये कॉमनली वो एंट्री पैटर्न्स है जो सभी जगह यूज होते हैं, सभी जगह काम में आते हैं। आप इनको आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट स्टार्ट होता है फॉर बाई साइड, ठीक है। मार्केट यहां से जाने के लिए क्या करता है, बाई साइड में कुछ इस तरीके से मार्केट जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, ठीक है। मार्केट एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहां से जो यहां तक का टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये 15 मिनट का टाइम है, ठीक है। ये 15 मिनट वाला एरिया है जिसमें मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज करता है, ठीक है। अब जब मार्केट इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लास्ट टाइम मार्केट आया था तो उस टाइम पे भी मार्केट ने कुछ ना कुछ अपने सिनेरियोस यहाँ पर क्रिएट किया हूं, राइट। तो ये लास्ट टाइम वाला जो मार्केट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। एंड ये 15 मिनट का है, दोनों का दोनों टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक्चुअली में मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा। अब यहाँ पे तो आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो रिसेंट वाला हाई होता है, ठीक है, रिसेंट वाला हाई कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये तो बाद में बना है, पहले ये था जब मार्केट यहाँ के पहुंच गए। तो रिसेंट वाला हाई, तो रिसेंट वाला जो आपका हाई होता है वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए आईडीएम, यानी इड्यूसमेंट, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट वाले हाई को टच करता है या कैंडल क्लोज करता है या इक्वल क्लोज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी करे, जैसे ही आईडीएम को मार्केट टच करता है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कंफर्म हो जाता है, लोअर। ये वाला पॉइंट आपके लिए एज अ लोअर लो कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे नीचे मार्केट अब नहीं जाएगा, मार्केट ने ये कंसीडर कर दिया है, ठीक है। एक चीज ये हो गई, अब ये आपको समझ में आ गया कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा और करंटली मार्केट इस टाइम पे है, यानी कि इस एरिया में मार्केट है, यहां पे आके मार्केट रुक जाता है, ठीक है। और यहां पे आके रुकने के बाद मार्केट क्या करता है, यहां से मार्केट सेल का एरिया ट्राई करता है अगेन, यानी सेल साइड जाने का। तो मार्केट क्या करता है, अगेन वापिस सेल साइड आता है कुछ इस तरीके से, और वापिस इस तरीके से जाता है। अब मार्केट सेल साइड आया तो मार्केट ने दो एरियाज और क्रिएट किए, कौन से, तो जब भी मार्केट आईडीएम लेने के बाद वापस रिवर्स आता है तो उसके बाद में जो रीसेंट वाला लो होता है वो भी आईडीएम बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। आईडीएम बनता है और आईडीएम के जस्ट नीचे कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होता है, ठीक है। उस एरिया से आपको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। मैं मैक्स में लिख देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, इस एरिया से आपको ट्रेड लेना होता है। और 1 मिनट स्ट्रक्चर पे आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कितने पे, 1 मिनट स्ट्रक्चर के, यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के भी काफी सारे पैटर्न्स एंड अलग अलग तरीके की चीजें होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो भी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये 1 मिनट का ट्रेड लेते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड इसको कलर भी चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जैसे इस सिनेरियो को कंप्लीट करता है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बोज बन जाता है, ठीक है। अब आपका ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू में आ चुका है फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे बॉस। अब जैसे ही बोज डन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट टाइम इधर वाला एरिया था या जहां पे मार्केट ने इधर चौक आईडीएम कुछ भी किया था वो आपका एज अ चौक रहेगा मेन एंट्री पॉइंट का, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया रहेगा वो,
ये वाला कुछ इस तरीके से। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जब भी आपका मार्केट चौक करता है यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करता है, कि कैंडल क्लोज होना जरूरी है किसके लिए, चौक के लिए, यानी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए मार्केट को कैंडल क्लोज करना जरूरी है, तभी आपका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर अच्छी तरह से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपका हो गया पैटर्न नंबर एक। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनता है। अब यहां पे क्या होगा, पैटर्न नंबर दो की बात करते हैं कि उसमें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो उसका भी सेम सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और ये सारा का सारा गेम 15 मिनट पे होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट पे कर ले, आपकी इच्छा है, बट मैं समझाने के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं 15 मिनट, 5 मिनट सब पे आपको करके दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सबसे पहली चीज रीसेंट वाला हाई जो है, ये आपका आईडीएम कंसीडर हो गया, इड्यूसमेंट। ठीक है, इड्यूसमेंट कंफर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, जैसे ही आपका आईडीएम कंफर्म हुआ, तो आईडीएम कंफर्म होने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे जो सिनेरियोस बना है उनको क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया अगेन। ठीक है, इस लोअर लो को यहाँ पे उठा कर रख देते हैं अपन, ये लोअर लो आपका कंफर्म हो गया है। ठीक है, लोअर लो कंफर्म होने के बाद आईडीएम लिया मार्केट ने, आईडीएम लेने के बाद मार्केट डायरेक्ट शूट हो गया एंड यहाँ पे चौक कर दिया, यानी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चौक यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मार्केट ने जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया तो उस टाइम पे सेम चीज, उसको यहाँ पे किस चीज की नीड है मार्केट को, यहाँ पे मार्केट को नीड है कैंडल क्लोज की, तो मार्केट ने कैंडल भी क्लोज किया। ठीक है, सारा कुछ यानी मार्केट ने यहाँ पे सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो एज इट इज वो किया। अब जब मार्केट ये चीज कर रहा था तो उस टाइम पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, कि सबसे पहली चीज तो ये कि आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो होना बहुत जरूरी है, या तो ऑर्डर ब्लॉक हो या ऑर्डर फ्लो हो, दोनों होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज। अब चौक करने के बाद में जब भी आपका मार्केट नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपका ये रीसेंट वाला ये जो पॉइंट है ये बनेगा फिर आपका आईडीएम। जरूरी नहीं है ये बने, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये भी करेक्शन दे सकता है, ये करेक्शन एंड अप एंड डाउन, तो उस टाइम पे फिर ये हो जाएगा। तो चौक के लिए मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है कि रीसेंट वाला जो आईडीएम होता है वही आपका एज ए चौक की तरह वर्क करेगा, सॉरी आईडीएम की तरह। ठीक है, अब ये दो एंट्री पैटर्न हो चुके, अब इनको अपन सेल साइड में भी देख लेते हैं। एंट्री की बात करें तो यहां से आप क्या करेंगे, बाई साइड के लिए लेंगे। एसएल कहाँ रखेंगे, जो आपका एसएल होगा वो इस एरिया पे होगा जो प्रीवियस मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक पैटर्न ये। सेकंड पैटर्न में क्या होगा कि डायरेक्ट होगा, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट कंफर्मेशन का वेट करना है, सेम इस एरिया पे आपको 1 मिनट कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, यहां पे आपको 1 मिनट कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर 1 मिनट कंफर्मेशन आपको मिल जाता इजीली तो बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 मिनट कंफर्मेशन होने के बाद में आपको जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर आता है इस ऑर्डर ब्लॉक में या जहां पे भी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आप रीट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस एरिया में रीट्रेड कर सकते हैं। तो आपका एक तो एडवांटेज यहाँ पे ये हो गया कि फ्यूचर्स में जितनी भी तरह मार्केट आएगा एंड ट्रेड्स के लिए प्लानिंग करेगा, तो वहां पर क्या होगा कि सारी की सारी जो एंट्रीज है वो पैटर्न्स आप यूज कर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब इसको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है इन चीजों पर। ठीक है, कि कैसे बना, क्यों हुआ, तो
क्योंकि जब चार्ट पे चलेंगे उससे पहले आपको आना जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, इसमें मेजरमेंट किए जाएंगे कि मार्केट क्यों हो रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इन क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना है। जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा उसमें अपन पूरा चार्ट का एनालिसिस करेंगे इन दोनों एंट्री पॉइंट्स के ऊपर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।